हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो उन हाउसवाइफ्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन्हें अपना किचन बहुत ही ऑर्गेनाइज रखना पसंद है। तो हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आए। हमारे किचन में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है हमारे स्पाइसेस। अब हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपने किचन के सारे स्पाइसेस को एक ही जगह पर कैसे ऑर्गेनाइज करें कि हमें अलग अलग जगह पर उनको ढूंढना ना पड़े, और कई बार हम खुद भी रख कर भूल जाते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे किचन के काउंटर टॉप का राइट साइड का हिस्सा जो कि मेरे गैस के बिल्कुल राइट साइड में ही है, कॉर्नर में। और ये खाली जगह थी तो मैंने यहाँ पे एक वुडन शेल्फ लगाया है जो कि मैंने खुद से ही बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे ग्लास के जार्स में अपने सारे स्पाइसेस को अरेंज किया है। इसमें ऑलमोस्ट 15 to 16 स्पाइसेस के बॉटल्स रखे हुए हैं, और आप देख सकते हैं इसमें मेरे ड्राई फ्रूट्स भी हैं। और आजकल काढ़ा सबके घरों में बन रहा है, तो वो सब सामान मैंने इन जार्स में ही स्टोर करके रखा हुआ है ताकि मुझे इधर उधर बार बार ढूंढना ना पड़े और सारा सामान मुझे इधर ही मिल जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये राइट साइड में है तो मुझे सामान लेने में दिक्कत भी नहीं होती, टाइम भी सेव होता है सबसे बड़ी बात। और इन जार्स की जो कैपेसिटी है वो 200 ml है। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत छोटे हैं, तो ये सफिशियंट हैं इस तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ये जार्स जो हैं मैंने ये अपने पास ही के विशाल मार्ट से लिए हैं, और ये बहुत सस्ते हैं। 99 rupees के मुझे ये 4 pieces मिल गए थे, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इन्हें आप लेबल भी कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किए हैं क्योंकि किचन में मुझे ही काम करना होता है और लेबलिंग मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि जब हम इन्हें वॉश करते हैं तो वो फिर बार बार उन रफ़ हो जाते हैं, तो मुझे लेबलिंग करना पसंद नहीं है। बट आप चाहें तो इन्हें लेबलिंग भी कर सकते हैं। और इसी शेल्फ के नीचे मैंने एक वुडन स्पाइस स्टोरेज बॉक्स रखा हुआ है जो कि मैंने ऑनलाइन बाय किया था, बट मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वुडन चीज़ों से बहुत लगाव है और ये एकदम ट्रेडिशनल लुक देता है। और इसमें मैंने अपने जो सब्ज़ी में डलने वाले मसाले हैं, जो रोज़ के नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वगैरह जो भी है, वो मैंने इसमें स्टोर किया है। और फिर उसके नीचे ये दो मैंने बास्केट्स रखी हैं, ये भी मैंने विशाल से ही ली थी, और कलर भी अच्छा इनका लग रहा है और यहाँ पे मैचिंग भी हो रहा है। तो इनमें मैंने एक में अपने किचन के जो कपड़े यूज़ होते हैं और एक में मैंने अपने स्पून्स और जो चाकू वगैरह है वो मैंने इसमें रखे हुए हैं ताकि किचन हमारा बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगे और सामान इधर उधर फैला ना लगे। और एक मैंने ये इधर साइड में वाइन रखी हुई है, ये मैंने वाटर में ग्रो की हुई है, तो ये मेरी गैस से काफ़ी दूर है, ये बिल्कुल अच्छी यहाँ पे ग्रो हो रही है और काम करते टाइम बिल्कुल फ्रेश फील होता है। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मेरे स्पाइस कॉर्नर का लुक कैसा लग रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये शेल्फ मैंने कैसे बनाई है। ये सब मैंने वेस्ट वुडन प्लाईवुड मेरे पास पड़ा हुआ था उसी से मैंने बनाई है। ये मेरे पास एक मैंने काम कराया था थोड़ा सा लकड़ी का घर में, तो तब मेरी बच गई थी। ये 5 inch की चौड़ाई वाली एक प्लाईवुड थी और ये पूरी लंबी प्लैक थी, वुड की पूरी लंबी फट्टी थी, तो मैंने इसको 3 parts में अलग अलग साइज़ में कट कराया था। और फिर एक ये फोर्थ जो वुडन प्लैक जो पीछे लगी हुई है उसके ऊपर मैंने इनको कील की हेल्प से इनको लगा दिया था। और ये जो आगे डिज़ाइन वाली जो बाइंडिंग आप देख रहे हैं ये भी मेरे पास उसी काम से बची हुई रखी हुई थी। और पेंट तो इसको मैंने अपने किचन के कलर के अकॉर्डिंग किया था जो मुझे मैचिंग करना था। मार्केट में ये 500-600 की कम की नहीं मिलती है, ये आप सबको पता है। और मैंने ये पूरा कंप्लीट वेस्ट मटेरियल से ही बनाई है जो मेरे घर में वेस्ट था। और ये जो साइड में ये देख रहे हैं आप स्पून का हैंगर, ये भी मैंने खुद से ही क्रिएट किया है। और अब मैं आपको बता देती हूँ मेरी जो स्पाइस वुडन स्पाइस स्टोरेज बॉक्स है उसके बारे में। इसकी जो एक कंटेनर का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, तो एक छोटी फैमिली के लिए ये काफ़ी है। इसमें आपके 12 जो स्पाइसेस हैं वो आप रख सकते हो। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें क्या क्या स्टोर करके रखा हुआ है, और इसमें एक ये स्पून भी साथ में आती है। और इसको क्लीन करना भी कोई मुश्किल नहीं है, आप टिश्यू पेपर लीजिए और उसी से इसको क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगी, तो आप भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं। आप इसे फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मीशो से, कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं।
और ये है मेरा एक ओल्ड पैन जो कि ख़राब हो गया था, बीच में से ये ख़राब हो गया था, तो उससे मैंने किचन के लिए ही ये सुंदर सा DIY बनाया है जो कि लगा हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। इसमें भी सारा मैंने कोई खास महंगा सामान यूज़ नहीं किया है, आप देख ही रहे होंगे, तो वीडियो देखकर आप बना सकते हैं, क्योंकि जब मैं ये सब मैंने बनाया था तो मैं वीडियोस नहीं बनाती थी। तो ये है मेरा एक ओल्ड चकला, तो ये भी आप बना सकते हैं। इसमें मैंने सारा ये जो लिखा हुआ है ये मैंने मार्कर से लिखा हुआ है, और इसमें नीचे मैंने वाटर कलर से ये रेनबो की शेड दी हुई है, तो आप देख कर आप इजली बना सकते हैं। इसे मैंने अपने किचन के डोर पर लगाया है, तो आप भी इसी तरह अपने किचन के ही वेस्ट सामान से ही किचन को सजा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आपके काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल को एक नया लुक मिल जाएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सुंदर सुंदर DIYs के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके घर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।